हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पैलेस हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमसी फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बारे में, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे जो हमारे नीट एस्पिरेंट हैं 2022 के, वो 17 जुलाई के बाद अपने कॉलेज सिलेक्शंस में लग जाएंगे। ऐसे में कॉलेज सिलेक्शंस में कुछ बातें हैं जिसका अगर स्टूडेंट्स ध्यान रखते हैं तो फ्यूचर में उन्हें अपनी मेडिकल डिग्री में कोई भी इशू नहीं आएगी। दोस्तों, फॉरेन से मेडिकल ग्रेजुएशन करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एनएमसी की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनको पूरी तरह से फॉलो करने पर ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अपनी प्रैक्टिस इंडिया में कर सकेंगे। अब बात ऐसी है कि कुछ कंट्रीज़ इस गैजेट के रूल्स को फॉलो करती हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं करती हैं या कम करती हैं। फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ इस गैजेट को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती, वहीं दूसरी तरफ रशिया इस गैजेट को 100% फॉलो करती है। यानी कि रशिया के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए प्योरली एलिजिबल होंगे। आगे हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो इस रूल को फॉलो करती है, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो इस रूल को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती। पर उससे पहले ये जानते हैं कि इस गैजेट में कौन कौन से रूल्स हैं। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है एनएमसी गैजेट जो एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है। शुरू में कुछ डिस्क्लेमर्स वगैरह हैं और मेन कंटेंट यहाँ से शुरू होता है। क्रिटेरिया टू रिकॉग्नाइज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अप्लाइंग फॉर लाइसेंस और परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ कि क्या रूल्स हैं इसमें। रूल नंबर वन है, द इंटायर मेडिकल कोर्स मस्ट हैव इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द कोर्स। यानी आपका पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायलिंगुअल कोर्स क्यूरिकुलम को फॉलो करती हैं, यानी कि उन यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश और वहाँ की लोकल लैंग्वेज दोनों में पढ़ाया जाता है। पर इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही करनी है। दूसरा रूल ये है कि आपको अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो एनएमसी कंडक्ट करती है इंडिया में, जिसके बाद फिर आप क्वालिफाई करने के बाद उसको 12 मंथ के लिए सुपरवाइज इंटर्नशिप इंडिया में कर सकेंगे। तीसरा रूल ये है कि स्टूडेंट को अपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन को मिनिमम 54 मंथ यानी 5.5 साल में कम्प्लीट करना होगा, जिसमें कि 4.5 ईयर कोर्स होता है और 12 मंथ की इंटर्नशिप होती है, तो कुल मिला के 5.5 साल हो गए, तभी उन्हें इंडिया में प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। चौथा रूल ये है कि आपको अपना पूरा मेडिकल कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से करना है, यानी आप यूनिवर्सिटी अपने पढ़ाई के बीच में स्विच नहीं कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी आपको उसी यूनिवर्सिटी से करनी है। यानी कि आप किसी तरह का ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं अपने डिग्री के बीच में, ना ही आप ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 5 ये है कि स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री के रेगुलेटरी बॉडी से खुद को रजिस्टर कराना होगा, जिसका मतलब ये है कि वो उस कंट्री में भी प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल रहें जहाँ से उन्होंने डिग्री ली है। रूल नंबर 6 ये है कि आपको अपने कोर्स को मैक्सिमम 10 ईयर्स में पूरा करना है। अब दोस्तों, इस गैजेट को निकालने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एनएमसी गाइडलाइंस में नहीं आती हैं, और उन कंट्रीज़ में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमारी डिग्री वैलिड है या नहीं है। तो एनएमसी ने अपने गैजेट में ये क्लियरली मेंशन किया है कि ये गैजेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा जिन्होंने 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया है। अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जो इस गाइडलाइन से, इस गैजेट से बाहर हैं। दोस्तों, फिलीपींस इस गाइडलाइन से बाहर है। फिलीपींस की यूनिवर्सिटी से अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर वो डिग्री एनएमसी में वैलिड नहीं होगी। वहीं बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी इस गाइडलाइन को 99% फॉलो करती है और एनएमसी की तरफ से उन्हें नोटिस भी किया जा रहा है कि वो गाइडलाइंस के जितने भी रूल्स हैं उनको 100% फॉलो करे, तो इन फ्यूचर जल्दी ही बांग्लादेश भी इस गैजेट को 100% फॉलो करने लगेगी। बांग्लादेश और रशिया में एडमिशन को लेकर किसी भी तरह की क्वेरी आप नीचे दिए हुए नंबर पर कर सकते हैं। इस गैजेट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनएमसी की तरफ से आने वाले अपडेट्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। MBBS अब्रॉड को लेकर किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट www.studypalacehub.com को आज ही विजिट करें, हमारे टॉप काउंसलर्स से बात करें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।